पार्टी के सिंबल पे जो चुनाव लड़ेगा उसको जिताने का काम करेंगे, तो इसलिए हमने इनका नाम भी रखा है झूठा केजरीवाल। शानदार पार्क आपने शिवपुरी में दिए हैं, वहाँ से झूले उखड़वा कर आपने कहीं और भेज दिए। वहाँ पे हमने लोगों के लिए योगा सेंटर बनाने का हम काम कर रहे हैं, झूले पाड़े नहीं है, झूले शिफ्ट किए हैं कि चौथी बार भी दिल्ली के अंदर नगर निगम में भाजपा की सरकार बन रही है, और अभी हम और लोगों को सफाई कर्मचारियों को और बाकी सबको भी परमानेंट करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में टिकट के लिए दौड़ भी जारी है। कई चेहरे आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे बैनर्स और पोस्टर्स में जिन्हें शायद पहले आपने ना देखा हो। हमारे कार्यक्रम शख्सियत में हम अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान। हालांकि जो जिस वार्ड से ये पार्षद थे वहाँ महिला सीट हो गई है, लेकिन अब आगे की इनकी क्या रणनीति है ये हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है दिल्ली का? चुनाव तो हर 5 वर्ष बाद दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में तो अक्सर 20 में विधानसभा हुआ, फिर 22 में निगम होगा, फिर 24 में फिर लोकसभा होगा, 25 में फिर विधानसभा होगा। अब एमसीडी में क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? दिल्ली में लगातार चौथी बार और इस बार 200 पार निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप खुद सर एसडीएमसी मेयर हैं, क्या आपको लगता है कि इतने बेहतरीन उपलब्धियां हैं निगम की कि इस बार जो है 200 पार? देखिए, सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि दिल्ली सरकार की नीयत खराब होने के बाद भी, उनकी नीति खराब होने के बाद भी, नगर निगम के हर काम में रोड़ा लगाने के बाद भी नगर निगम ने दिल्ली को बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। चाहे वो कोरोना काल का पीरियड हो, चाहे वो आइसोलेशन का पीरियड हो, चाहे वो टीकाकरण का पीरियड हो, ये सारे काम नगर निगम ने किए। राज्य सरकार तो हर मुद्दे पर फेल हो गई। इवन हेल्थ राज्य सरकार का सब्जेक्ट था, लेकिन उस सब्जेक्ट पर भी राज्य सरकार ने जब काम नहीं किया तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हो या ईस्ट दिल्ली नगर निगम हो या नॉर्थ दिल्ली नगर निगम हो, इन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में लेके उनको दिल्ली को संभालने का काम किया। सर, निगम में कर्मचारियों के परमानेंट होने और सैलरी का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है और आपने हाल ही में पोस्ट भी डाला था कि इनको परमानेंट भी किया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे? हमने इस बार भी 1400 लोगों को परमानेंट किया है और अभी हम और लोगों को, सफाई कर्मचारियों को और बाकी सबको भी परमानेंट करने वाले हैं। देखिए, जब परमानेंट करने की प्रक्रिया चालू होती है उसमें सबसे पहले एक बजट प्रावधान किया जाता है, सैलरी का प्रावधान किया जाता है। डीबीसी कर्मचारियों को लेकर के हमने राज्य सरकार के पास, मैंने स्वयं 3 बार फाइल भेजी है कि आप हमें इनकी पोस्ट क्रिएशन की परमिशन दीजिए, क्योंकि हमने हाउस से रिलेशन पास कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने 3 बार फाइल पर कोई जवाब नहीं दिया और वो फाइल भी वापस नहीं लौटाई, उसका कोई जवाब भी नहीं दिया, तो इसलिए हमने इनका नाम भी रखा है झूठा केजरीवाल। ये सरकार के पास पिछले 7 सालों में बताने के लिए कुछ नहीं है। आज इस सरकार को भी, पार्टी को भी, सरकार को 7 साल हो गए हैं, लेकिन 7 साल में कोई भी 7 काम जो दिल्ली के हित में इन्होंने फैसले लिए एक नहीं है इनके पास में। सर, लास्ट इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि आप ना तो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं ना अपने परिवार से किसी को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बैनर्स और पोस्टर्स आपके देखे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप टिकट की रेस में आगे निकल रहे हैं। मैं पार्टी दिल्ली को, हम भारतीय जनता पार्टी निगम ने जो काम किए उनके बारे में बता रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि चौथी बार भी दिल्ली के अंदर नगर निगम में भाजपा की सरकार बन रही है। यही होर्डिंग हमारे हर कार्यकर्ता के लग रहे हैं, यही मेरे लग रहे हैं। हम होर्डिंग लग रहा है एमसीडी 2022 में भाजपा सरकार। इसमें सिंपल हम लोगों से कह रहे हैं कि एमसीडी 2022 में भाजपा की सरकार बनानी है। ठीक है, पार्टी का तो फैसला है टिकट को लेकर, लेकिन क्या मुकेश सूर्यान का निजी ये इच्छा है कि किसी और वार्ड से ट्राई किया जाए? ये संगठन के काम है, पार्टी का ये निर्णय है, जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के निर्णय के साथ। और मैंने आपको बताया कि मैं जनता की सेवा करने के लिए, ये कहीं नहीं है कि चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी बिना चुनाव लड़े जनता की सेवा करता था, अब भी पार्टी का जो निर्णय होगा हम जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे। अब अपनी वार्ड से किसे आगे करेंगे सर? ये संगठन का निर्णय है। संगठन हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। रिकमेंडेशन तो भेजेंगे आप? नहीं, हमारे पास बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सर्वे में आएगा, जो पार्टी जिसको चिन्हित करेगी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको जीत दिलाकर, यहाँ खाली इस वार्ड में नहीं, पूरे निगम में, साउथ एमसीडी में, अपनी विधानसभा के अंदर, अपने जिले के अंदर में, साउथ एमसीडी विधान के अंदर हर कार्यकर्ता के लिए काम करेंगे, हर कार्यकर्ता को पार्टी के सिंबल पे जो चुनाव लड़ेगा उसको जिताने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी वार्ड में काम किए हैं वो एक बड़ी वजह रहेगी चुनाव जीतने के लिए इस वार्ड में? मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप सर्वे कराएं, घूमकर देखेंगे, तो मुझे लगता नहीं विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा है बताने के लिए किस आधार पर वोट मांगेंगे वो। पिछले 15 सालों 20 सालों में जो लोग सत्ता में थे कोई काम नहीं कर पाए। आज हमने सागरपुर की जनता को कोई ऐसी सौगात नहीं जो ना दी, चाहे पार्क हो, सड़क हो, सीवर हो, डिस्पेंसरी हो, चाहे आपका आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे आपका वैक्सीनेशन सेंटर हो, चाहे स्कूल बनाने का काम, हमने सारे काम तो कर दिए, बचा ही कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष के पास वोट मांगने का आधार खत्म हो गया, इसलिए वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
यहाँ आपकी वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी के जो लोग कोशिश कर रहे थे टिकट के लिए, महिला सीट होने के बाद अपनी पत्नियों को उन्होंने आगे कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी? आम आदमी पार्टी का कोई करैक्टर तो है नहीं, ना ही कोई चरित्र है, तो इस पार्टी के बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, ये पार्टी के पास कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, इवन कार्यकर्ताओं की भी पार्टी नहीं है। ये पार्टी एक व्यक्ति विशेष से निकली है जो धरना करके दिल्ली को गुमराह करने का काम किया और आगे भी यही काम करेंगे। हम तो विकास की बात करते हैं, तो लोगों को सुविधा देने की बात करते हैं, लेकिन इस पार्टी के पास बात करने को कुछ नहीं है सिवाय दिल्ली को गुमराह करने के। अभी कुछ लोग ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जिनको कभी ग्राउंड पर देखा नहीं गया, ऐसा लोग कहते हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति में ये गलत चीज़ है कि कभी नज़र नहीं आए लेकिन टिकट के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर पोस्टर्स बैनर्स निकल गए? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का, टिकट मांगने का। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो टिकट मांग रहे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट जब पार्टी का कोई सामूहिक निर्णय आएगा किसी व्यक्ति के विशेष को लेकर के, जो भी कार्यकर्ता होगा, तो पूरी पार्टी उसके लिए लगेगी। मुद्दे क्या रहेंगे सर इस बार चुनाव में, एमसीडी चुनाव में, क्योंकि आपके पास एमसीडी है कई वर्षों से, तो क्या कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए हैं? और हम लोग एक तो राज्य सरकार का फेलियर बताएंगे सभी पूरी दिल्ली की जनता को, और राज्य सरकार ने जो झूठे वादे दिल्ली में दिल्ली के लिए किए तो उनको बताएंगे, जो शिक्षा में जो घोटाला किया उसको बताएंगे, जो पानी का घोटाला किया उसको बताएंगे, जो सीवरेज का घोटाला किया उसको बताएंगे, जो कोरोना काल में लोगों के साथ जो जान माल का खिलवाड़ किया उसको बताएंगे, जो वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर के जो इन्होंने धोखाधड़ी किया उसको बताएंगे, मोहल्ला क्लिनिक में जो चोरी होती है जहाँ कुत्ते और भैंस और गाय सोती है उसको बताएंगे। सारी चीज़ें हमारे पास बताने को हैं इनके खिलाफ। कुछ ऐसा रह गया है जो 5 सालों में नहीं हो पाया, अब उसके दोबारा अगर मौका मिलता है बीजेपी को एमसीडी में आने का तब होगा? ओब्वियसली बीजेपी सत्ता में आएगी तो हम लोग सबको इंटरनेट की सुविधा भी इस बार हर घर में हर डोर पे देंगे। हमने उसके लिए कई अच्छी प्लानिंग भी की है, और जो पेंशन रुकी उन सारी पेंशन को रीच करेंगे, एक अच्छे बजट का प्रावधान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे और निगम का पैसा रिलीज करे, ताकि हम सब लोगों को पक्का कर सके, हमारे सब कर्मचारी को पक्का कर सके, उनकी सैलरी टाइम पर जा सके, उनके एरियर टाइम पर जा सके, ठेकेदारों की पेमेंट हो सके, पेंशन जो रिटायर होते हैं उन सब कर्मचारियों को उनका भत्ता पेंशन टाइम पे मिल सके, उनका जो फंड्स होता है जो पीपीएफ जिसको हम बोलते हैं, जो उसको भी हम टाइम पे रिलीज सके। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे और निगम को सहयोग करें। आखिरी सवाल आपकी वार्ड से रिलेटेड है, परसों नरसों मेरे पास फोन आया था 2-3 लोगों की, जो शानदार पार्क आपने शिवपुरी में दिए हैं वहाँ से झूले उखड़वा कर आपने कहीं और भेज दिए। एक व्यक्ति विशेष आपके टच में है जो सिवाय शराब पीने के और दिलों को भरगलाने का काम करता है, उनका कोई आधार नहीं है सिवाय कब्जे के अलावा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ पे हमने लोगों के लिए योगा सेंटर बनाने का हम काम कर रहे हैं, झूले पाड़े नहीं हैं, झूले शिफ्ट किए हैं, और शिफ्ट करके वो झूले मैंने लगाए थे, निगम ने लगाए थे, और दोबारा उन झूलों को लगाने का हम काम करेंगे, क्योंकि जब योगा सेंटर बनेगा तो उसके साथ में वो झूले लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करें, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ वार्ड 31 सागरपुर से निगम पार्षद मुकेश सूर्यान, जिन्होंने बताई अपनी चुनावी आगे की रणनीति। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।